महीने के आप 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं यूएसए चैनल बनाकर। स्क्रीन पे देख सकते हो 4,000+ डॉलर की इनकम हुई है और हम कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर हमारे पास 4,000 डॉलर है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 4,000 डॉलर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 82 से। अगर हम 82 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो 3,28,000 रुपए तो फिर भी अर्निंग हो रही है। 3,28,000 रुपए कोई आसान काम नहीं है। काम क्या करना होगा यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो ये है एक चैनल जिसका नाम है NBA चोन। ये एक फेसलेस चैनल है। यहाँ पे आपको अपनी खुद की वॉइस नहीं लगानी, खुद का फेस नहीं लगाना। कुछ लोग होते हैं जो फेस नहीं दिखाना चाहते, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती है जो अपनी आवाज बिल्कुल नहीं चाहते, बट फिर भी आप बिना किसी फेस के, बिना किसी वॉइस के आराम से पैसे को जनरेट कर सकते हैं, वो भी यूएस चैनल बना के। कैसे चैनल बनाना है, कैसे मोनेटाइज करना है, कहां से कंटेंट को लेना है और किस तरह से एडिट करना है और किस तरह से अपलोड करना है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इस वीडियो में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेक्निकल इसरार बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि आपको आराम से समझ आ जाए। देखो, अगर आप सच में यूएस चैनल बना के पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले एक न्यू फ्रेश ईमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी। यहां पे आप जाओगे और यहां पे है gmail.com, आपको डालना है। यहां पे क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद में आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और फॉर माय पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। देखो, जो भी आप चैनल का नाम रखना चाहते हो उसी के रिगार्डिंग आप यहां पे वीडियो बनाइए। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो ये है NBA जोन, ठीक है। ये क्या है, फुटबॉल के रिगार्डिंग कई सारी वीडियोस है, बास्केटबॉल के रिगार्डिंग है। चैनल का जो नाम है ना वो बास्केट रखने वाले हैं, ठीक है, बास्केटबॉल, ठीक है। यहां पे लिख देंगे हम न्यूज। अब बास्केटबॉल हमने न्यूज तो लिख दिया, बट हम ये देखेंगे क्या यूट्यूब पे इसके नाम से कोई चैनल है। तो यहां पे हम डालेंगे बास्केट न्यूज। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो बास्केट न्यूज तो है पर बास्केटबॉल के नाम से कोई भी चैनल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें इसी नाम से ईमेल आईडी बनानी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे यूएस से डालने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बास्केटबॉल न्यूज बन गया है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालने वाले हैं। पासवर्ड हमने डाल दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे जो हमारी ईमेल है वो हो चुकी है रेडी। अब हम बनाने वाले हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे जाना है और यहां पे लिखना है youtube.com। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहां पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन हो चुके हैं और यहां पे हम जाएंगे, ये चैनल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो वैसे आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिएट ए चैनल का ऑप्शंस जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे भाई बास्केटबॉल न्यूज है तो यहाँ पे उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो उसका नाम। तो नाम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिया, बास्केटबॉल न्यूज के नाम से नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे यूएस से डालेंगे तो शायद ये ले सकता है, तो इसने ले भी लिया है। तो बास्केटबॉल उसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये चैनल हमारा इस टाइम क्रिएट हो चुका है। कुछ सेटिंग्स हमने करनी है जो कि फटाफट से करनी है, नहीं तो आपका चैनल बिल्कुल भी रैंक नहीं होगा यूएसए ट्रैफिक में। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, स्विच अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद में यहाँ पे है यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पे है यूट्यूब स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही लिखा है वेलकम टू स्टूडियो और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें थोड़ी सी और सेटिंग करनी पड़ेगी, ये है कस्टमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्रांडिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना बैनर और अपना बैकग्राउंड लगा लेना है। तो फटाफट से हमें कोई भी ईमेल आई डी बास्केटबॉल के लिए हमें कोई भी वॉलपेपर अगर चाहिए तो हम फटाफट से यहाँ पे डालेंगे। डीपी के लिए तो कोई भी बास्केटबॉल के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसको यहाँ पे ओपन किया और इसको हमें थोड़ा सा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से सेव इमेज किया, सेव पे क्लिक किया। उसके बाद हमें बैकग्राउंड के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा बास्केटबॉल के लिए। तो हम बैकग्राउंड जो लगाएंगे वो बेहतर तरीके से लगाने वाले हैं। तो ये है वो बंदा, इसका हम बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, पिक्चर लगानी है, डीपी लगानी है। अपलोड पे क्लिक जाएंगे और यहीं पे मिलेगा हमें ये वाला डीपी ये वाला हमने लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको सही से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे थंबनेल जाना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, तो थंबनेल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका, मतलब डीपी चेंज करते हैं, कोई और ले लेते हैं ना। यहाँ पे भाई इस लड़की का हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जाए क्लिक करेंगे और इसी को हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो दूसरा इमेज हमने ले लिया है तो वही हम यहाँ पे डालने वाले हैं। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे हमने ये लड़की का ये देख सकते हो। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे तो ये लड़की यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमारा बैनर है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहीं पे ये क्लिक है और यहाँ पे जो है ना इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये बोल रहा है मस्ट बी एट लीस्ट इतने पिक्सल में होना चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए हमें कैनवा पे जाना पड़ेगा। कैनवा पे जाने के लिए आपको यहाँ पे लिखने का यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूट्यूब चैनल बैनर, ऐसे आपको लिखना है। यूट्यूब चैनल बैनर आपके पास आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है और यहीं पे आपको एडिट करना है, कस्टमाइज पे जाना है, सबको हटा लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है वही वाला बैनर जो मैंने अभी आपके सामने लेके आया था, ये वाला बैनर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे जाके इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब बैनर रेडी हो चुका है, अब अपलोड पे जाना है और ये बैनर आपको यहीं पे मिला कहीं ना कहीं, कहाँ गया। उसके बाद हमें ओपन करना है, ओपन करने के लिए तो अभी हमें ये डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक्चुअली में आ चुका है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखो चेंज पब्लिश हो चुका है। गो टू चैनल पे अगर हम क्लिक कर, चैनल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे देखो होम का ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, सारे ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए कस्टमाइजेशन करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। यूएस कैटेगरीज में हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे चैनल पे जाना है, चैनल पे आपको ये है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इस पर आपको जाना है और यहीं पे यूएस जो है नीचे मिलेगा आपको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बता रहा हूँ, ये है यूनाइटेड स्टेट, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं। कीवर्ड्स के लिए आपको जाना पड़ेगा टैग सेक्शन में, ठीक है। तो हम टैग सेक्शन, एक रैपिड टैग्स के नाम से एक वेबसाइट है, इस पर जाना है और आपको यहाँ पे बास्केट बास्केटबॉल न्यूज़ के नाम से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी डाल देनी है। तो कॉपी टैक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सारे कीवर्ड्स इसी हिसाब से डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे जाना है, अपलोड पे भी आपको यही सारे कीवर्ड डालने हैं और यहाँ पे विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी में आपको अनलिस्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में यहाँ पे है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइव, सॉरी यहाँ पे है वीडियो। उसके बाद यहाँ पे है कैटेगरीज, कैटेगरीज आपको जो है स्पोर्ट्स पे क्लिक करने, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, काफ़ी सारे लोग इस पे नहीं करते, फिर उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, नहीं उनका ट्रैफिक मिलता है। उसके बाद यहाँ पे चैनल को ऑप्शंस में एडवांस सेटिंग जो है इस पे जाना पड़ेगा और यहीं पे आपको फीचर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर है, इसमें ये बताया गया कि आपको वीडियो अपलोड, प्लेलिस्ट और एड कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट फीचर के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, वीडियो लॉन्गर 15 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद थंबनेल लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, पर यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करने के लिए और यहाँ पे फोन नंबर डाल देना है। तो फिर आप देख सकते हो ये फोन नंबर वेरीफाइड, ठीक है, फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं और चैनल में जाते हैं और फीचर में जाते हैं तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों हो चुके हैं। अब बात करते हैं एडवांस फीचर की, एडवांस फीचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे चैनल हिस्ट्री, जब आप वीडियोस अपलोड करोगे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मैंने वीडियो वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं, वैसे अभी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग आपकी हो चुकी है, अब आपका यूट्यूब चैनल यूएस बेस हो चुका है, ठीक है। अगर आप जाओगे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद में यूनाइटेड स्टेट आ चुका है, आज की डेट है, अभी अभी ये चैनल बना है, बैनर भी आपका आ चुका है। अब आपको करना क्या होगा, आप यहां पे वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो मैं आपको बताऊंगा पहले वीडियो अपलोड कैसे करते हैं और उसके बाद वीडियो को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले कहां से ऑडियो लोगे, कहां से वीडियो लोगे, कैसे आपको करना पड़ेगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आपको यहां पे एक आर्टिकल है बास्केटबॉल न्यूज़ के नाम से, देखो यहाँ पे जो है ना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी वीडियो बनाना चाहते हैं, कौन सा आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लिया हमारे पास एक आर्टिकल ये है, अब ये गूगल से ही आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ऐसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे एक आपको मैं एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशंस में आपको जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच इस पर क्लिक करके आपकी जो वीडियो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, टेक्स्ट से आपकी ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास एक ऑडियो क्लिप हो जाएगी। अब ऑडियो क्लिप का ही आपको इस्तेमाल करना है। देखो कई सारे लोग बोलते हैं कहाँ से मुझे लेना है वीडियो,
तो यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, ये है एक चैनल इनका, सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि NBA का है। यहाँ पे बहुत सारी आपको रील्स मिलेंगी, ये आप देख सकते हो। इन वीडियो पे बहुत सारा व्यूज आ रहा है, तो इन वीडियोस को आप ले सकते हो। लेने के बाद में मान लिया एक वीडियो है आपकी, ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को आपको लेना है, तो यहाँ पे डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम से ये वीडियो डाउनलोड कर ली है, ठीक है। कैसे कर रही है मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गई है। अगर इस वीडियो को मैं चलाऊंगा तो ये वीडियो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी। आपके पास काइन मास्टर हो सकता है, आपके पास कोई प्रीमियम प्रो हो सकता है, आपके पास फिल्मोरा हो सकता है, कैपकट हो सकता है, VN एडिटर हो सकता है, बहुत सारे चैनल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे एडिटिंग टूल है, कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। प्रोसेस वही है एडिट करने का। तो यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रीमियम प्रो से कर रहा हूँ, तो ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। अब वो जो वीडियो रखी है उसको मुझे लेना है, वो वीडियो मुझे यहाँ पे ये आ रही है वीडियो, ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और थंबनेल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला इसको, और यहाँ पे डालने के बाद में अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये वीडियो जो है मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लगा दी ये ऐसे, ठीक है। तो इस वीडियो को मुझे क्या करना है, बड़ा करना है। इस वीडियो को मैंने इस तरह से बड़ा किया, देखो इसका जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। और अब मैं ऐसा करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये वीडियो चल रही है। इसको आप कॉपी करके, इसको कॉपी करके ऊपर भी आप एक लगा सकते हो, और इसको थोड़ा सा इस साइड कर सकते हो, और थोड़ा सा इस साइड कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा बेटर रहेगा, ऐसे आप लगा सकते हो दोनों के दोनों, और ये आपका एक वीडियो फॉर्मेट बन गया है। इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा आपका ये। आपको क्या करना है, फाइल एक्सपोर्ट करना है ऐसे, ये एक्सपोर्ट करके मीडिया में जाना है, मतलब किसी तरह आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका चैनल बना हुआ है वहाँ पे जाना है, ठीक है। ये आपका चैनल है, यहाँ पे डैशबोर्ड है आपका, आप चाहे तो मोबाइल से भी ये सारा काम कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अपलोड पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, वीडियो आपकी रखी कहाँ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। न्यू टेस्टिंग में हमारी है, तो ये रही वो वीडियो। उसके बाद इस वीडियो में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये वीडियो आपका टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ये चैनल है ना, इससे आप ले सकते हो, NBA चैनल है, इससे टाइटल्स आप ले सकते हो, ठीक है ना। क्या आपको दिखाना है, कैसे दिखाना है, थंबनेल कैसे लगाने, तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थंबनेल बनाना भी इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये है बेस्ट मोमेंट, तो यहाँ पे मान लिया जाए ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसका जो टाइटल है वो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे हम। तो यहाँ पे वीडियो हमारी चल रही है, तो इसमें हम ये डाल देंगे, और ये देखो तो इसमें हम डाल देंगे, ठीक है, हमने थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर दिया है, ये हमने यहाँ पे न्यूज़ डाल दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या है, थंबनेल लगाना है। थंबनेल लगाने के लिए थंबनेल बनाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको कैनवा में जाना पड़ेगा। कैनवा में आप जाइए, यहाँ पे आपको कोई भी थंबनेल है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मान लिया इस थंबनेल को ही हम एडिट करना चाहते हैं, हमारा एक थंबनेल है, इसको हमें चेंजेस करना है, तो इस चेंजेस के लिए हमें जाना पड़ेगा इसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, और ये सब हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। ये डिलीट कर दिया हमने, ऐसे हमने कर दिया, और उसके बाद इसी तरह का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल सेम, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो बट उसके लिए हमें एक पिक्चर चाहिए, ये है हुमैन, इस हुमैन को हम लेने वाले हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, और ये हो चुकी है सेव, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा से कैनवा पे जाना है, canva.com आपको पता है, आप इसमें साइनअप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, उस हुमैन को जो है ना हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी PNG वगैरह हम कैसे हटाए जाए, वो भी हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बीजी रिमूव, बट इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा आपको, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये हुमैन आ चुकी है, और यहाँ पे आने के बाद में इसको मैं ऐसे इसको लगा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे मान लिया ये दो लड़कियाँ हैं, बीजी रिमूव पर आप क्लिक करोगे, बट कैनवा के लिए प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे, इसको मैं इधर करूँगा और इन दोनों को मैं इधर करूँगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैक कलर चाहिए ज़्यादा, ठीक है। हमारा थंबनेल ये बन चुका है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बेस्ट मोमेंट, जिस तरह से NBA ने लिखा है यहाँ पे, अगर आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस्ट मोमेंट है ऐसे, ठीक है। तो हम भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसी तरह से बैश मोमेंट के नाम से, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक सर्कल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम गए और इसको हमने अपने हिसाब से इसको ऐसे कर लिया। अब मैं इसको बैक करूँगा, बैक के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा, इसका हमें बॉर्डर भी लेना होता है, तो बॉर्डर के लिए हम ऐसा लेंगे। तो बॉर्डर हम जो है ना वाइट कलर का ले सकते हैं, तो ऐसा हमने बॉर्डर लिया। फिर जैसा मर्जी आपका मन है वो ऐसा आप ले सकते हैं। देखो आप 6 करोगे इसका बॉर्डर, तो आप 6 हो गए। अब यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट मोमेंट। आप बिल्कुल सारे तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ और आगे भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो थोड़ी क्रिएटिविटी अगर आपको डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। वो क्रिएटिविटी का कोई, ठीक है ना, कैसे आपको करना है, क्या करना है, वो थोड़ा ऐसे आप लगा सकते हो, थोड़ा इस साइड लगा सकते हो, थोड़ा अगर आपको ऊपर चाहे तो ऊपर लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कहाँ कहाँ आपको लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थंबनेल रेडी हो जाएगा, हो गया है। अब हमें क्या करना है, शेयर पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और जेपीजी में जाके आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अच्छा, एक चीज मैं आपके लिए यहाँ पे भूल गया हूँ, जो ऑडियो है आपको वो ऑडियो इसका तो म्यूट कर देना है, और जो आपने एक्सपोर्ट किया है इस एप्लीकेशन से वो यहाँ पे डालना है, याद रखनी है ये बात। बट आपको जो ऑडियो बनानी है वो आपको वीडियो के हिसाब से बनानी है, ऐसा नहीं कुछ भी आपको बना दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाओगे, अपलोड पे क्लिक करोगे और जो आपका थंबनेल अभी रेडी हुआ है उसको यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन। ये देखो बेस्ट थंबनेल, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आपके जो भी आपके यहाँ पे टैग्स है वो ऑटोमेटिक आ गए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अनलिस्टेड में करना है, इसको याद रखना है अनलिस्टेड में करना है। जैसे आप करोगे क्लोज पर क्लिक करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो इस टाइम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखने की कोशिश करोगे बेस्ट वीडियो आपकी यहाँ पे हो गई है, देखो आप देख सकते हो। बट अगर आपको पब्लिश करनी है, पब्लिश पे जाओगे आप और डन पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपकी जो ये वीडियो रेडी हो चुकी है। अगर आप अपने YouTube चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वीडियो 50 सेकंड पहले ये वीडियो हमने पब्लिश करी है और यहाँ पे आ भी गई है। इस तरह से आप US बेस्ड चैनल बना के आपकी ना वॉइस लगेगी और न ही आपका फेस लगेगा, फिर भी आप इजिली पैसा कमा सकते हो और लोग बाग कमा भी रहे हैं मेरे भाई। आप क्यों, जाओ जल्दी से बनाओ, काम करो, आराम से पैसा आएगा। बट बदले में इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है हम वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास भी देते हैं। जय हिंद दोस्तों।